मैं शेखर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीजन 2 न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। बहुत राजनीति है हमारी इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव है तो ये समझ लीजिए कि बहुत राजनीति है। बेघरों के लिए काम करने वाले एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट आई दिल्ली में। आप इसी रिपोर्ट पर विवाद शुरू हो गया और राजनीति का तो पूछिए ही मत। बेघरों के लिए काम करने वाले एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक 413 बेघर लोगों की मौत हुई। इसमें 1 जनवरी से 10 जनवरी तक 90 मौतें हुई। अब इस रिपोर्ट के पीछे राजनीति समझिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। रिपोर्ट है सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट द्वारा जारी और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच 90 लोगों ने जो दिल्ली की सड़कों पे यहां वहां उन्होंने दम तोड़ दिया, मृत्यु हो गई उनकी, मर गए। इसी आम आदमी पार्टी के सरकार में ये एक नया रिकॉर्ड बन गया लोगों के ठंड से मरने का। इसी मसले पर एबीपी न्यूज ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से बात की। तब मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये नहीं पता कि उनका वो सोर्स क्या है। मैंने अखबार में खबर पढ़ी थी, मैं भी चाह रहा था कि इसका सोर्स पता चले कि वो कहां से उनके पास से जानकारी है, क्या डेटा है, ये 413 मौतें कहां हुई हैं, किस इलाके में हुई हैं, कहां हैं। जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रिपोर्ट का सोर्स नहीं पता होने की बात कही तो हमने सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कुमार से बात की। हाईली कंसंट्रेशन एरिया नॉर्थ दिल्ली का और बाकी दिल्ली के जितने भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और अपना पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क के थ्रू ये डाटा डिजिटाइज होता है। मरने से पहले वो व्यक्ति की कम से कम पहचान तो होती है। अगर वो व्यक्ति किसी रैन बसेरे या कहीं भी मरता है उससे पहले पहचान है, पर जैसे ही वो मर जाता है उसको जो सरकार है उसको अनआइडेंटिफाइड या दिल्ली पुलिस उसको अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी में डाल देती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कुमार का कहना है कि दिल्ली के सभी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट और पुलिस डिस्ट्रिक्ट से उनकी संस्था डेटा कलेक्ट करती है। अब सवाल ये है कि इतनी मौतें हुई कैसे, तो ये भी सुन लीजिए। जहाँ पिछले सालों में 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा है सर्दी का, वहीं अगर हम 10 सालों का आंकड़ा देखें तो दिसंबर 2019 में 323 लोगों की मौतें हुई हैं, जिसका कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है। अगर इनका पोस्टमार्टम ठीक ढंग से किया जाए या जनवरी में जो 90 मौतें हुई हैं उनका अगर पोस्टमार्टम होता है तो चीज़ें निकल कर आएंगी कि कारण क्या है। वो हेल्थ है, सर्दी है या जो भी इश्यूज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम की मार है। एनजीओ के मुताबिक मौत के आंकड़े सही हैं, लेकिन वजह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ होगी। लेकिन जनवरी में 10 दिनों में 90 मौतों की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पर अभी राजनीति जारी है।